बुलेट पटाखे वाला है, मेन फोकस हमारा इन पे है। जो बुलेट वालों ने जो पटाखे जो शहर के अंदर बजाते हैं उससे बहुत ज़्यादा अशांति फैलती है और लोगों में इस चीज़ का ज़्यादा रोष बनता है। तो इन्होंने कार्रवाई किया, बहुत अच्छी की है, इसमें हमारी गलती है, अलाउड नहीं है, कोई भी काम अलाउड नहीं है, हमको नहीं करना चाहिए था। पटाखे बजाने वाले के ऊपर एसपी महोदया का सख्त निर्देश है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी सूरत में कोई माफ़ी नहीं है। उसका जितना भी मतलब उसका वो चालान है और है जो भी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका चालान और उसका मौके पर उसके साइलेंसर को चेंज किया जाता है। इसके भाई साहब जो हॉर्न थे मेरे को पता नहीं था, बिल्कुल कसम खाकर बोलता हूँ मैं, मेरे को पता नहीं था, वो नजायज थे हॉर्न, वो उतरवा दिए पैसे। एक साल के दौरान आप अगर बुलेट पटाखे की बात करते हो, करीब करीब 400 बुलेट पटाखा जिनके मोटे से मोटे चलान भी किए हैं और उनको उनके साइलेंसर भी उतरवाए हैं। मान लो हरविंदर सिंह जी, आज बुलेट लेकर निकले थे तो पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है? जो इन्होंने कार्रवाई किया बहुत अच्छी की है, इसमें हमारी गलती है, अलाउड नहीं है, कोई भी काम अलाउड नहीं है जी, हमको नहीं करना चाहिए था जी। तो क्या इसमें आज चेंज किया गया, क्या उतारा गया यहाँ? इसके भाई साहब जो हॉर्न थे मेरे को पता नहीं था, बिल्कुल कसम खाकर बोलता हूँ मैं, मेरे को पता नहीं था, वो नजायज थे हॉर्न, वो उतरवा दिए पैसे। सर ने बोल दिया अगर तरह तो हम उतार दिए पैसे। अच्छा, आगे के लिए ऐसी कंप्लेंट नहीं होगी मेरी तरफ से जी, बिल्कुल नहीं, गलत है काम। तो पुलिस की इस मुहिम को ठीक मानते हैं? बहुत अच्छा। हमारी पुलिस अधीक्षक महोदया मैडम उपासना यादव जी के नेतृत्व में ये लगातार, ये आज से कोई मतलब ये नहीं कि आज ही हम इसको नया कोई अभियान चला रहे हैं, ये लगातार अब जो बुलेट पटाखे वाला है मेन फोकस हमारा इन पे है। जो बुलेट वालों ने ये पटाखे जो शहर के अंदर बजाते हैं उससे बहुत ज़्यादा अशांति फैलती है और लोगों में इस चीज़ का ज़्यादा रोष बनता है, तो इसको लेकर के हम बुलेटों के ऊपर ज़्यादा फोकस है। और एक ये जो बगैर नंबर प्लेट के बाइक वाले जो चलते हैं, ये इनकी चोरी किया व्हीकल बहुत ज़्यादा हमारे को आसपास के शहरों में भी, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी वीटी आती है कि भाई चोरी बाइक होती है, तो इनका नंबर प्लेट जो नहीं लगवाते या बगैर नंबर प्लेट के चलते हैं उन पर हमारा फोकस ज़्यादा है, जिससे उसको पता लगे। हम उनकी बारीकी से जाँच करते हैं जिससे ये पता चल जाए भाई हमने चोरी की ना हो कोई भी बाइक। कुछ वाहन ऐसे भी मिले मौके पर जिन पर प्रेशर के हॉर्न भी लगाए गए थे, मौके पर मिस्त्री को भी बुलाया गया, क्या कुछ कार्रवाई उनको लेकर की गई? उनको लेकर ऐसा है, ये फर्स्ट बार इन्होंने कहा जी हम पहली बार यहाँ शहर में आया हूँ, मुझे पता नहीं था इस चीज़ का, तो उनको मिस्त्री को बुला करके मौके पर ही उनको प्रेशर के हॉर्न उतरवाए हैं और उसको हिदायत दी गई, वार्निंग दी गई कि दोबारा से बाइक पर प्रेशर के हॉर्न ना लगवाएं, और उसका हेलमेट नहीं लगा रखा था उन्होंने, हेलमेट का उसका चलान किया। कुछ वाहन चालक गाने की लीडें या कोई ऐसी उपकरण जो है कानों में लगाकर चलते हैं जो एक्सीडेंट का भी कारण बनते हैं और भागते हुए भी दिखाई देते हैं, डिवाइडर से क्रॉस करते हुए भी दिखाई देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? हाँ, अभी एक लड़का जो उसके कान में भी वो जो अपना उपकरण लगाया हुआ था उन्होंने कान में, जिसे पीछे वाले व्हीकल को भी नहीं पता चलता कि वो उतने कोई क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए हम बार बार अवेयरनेस भी हमने किया लोगों को, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का व्यक्ति इस तरह का, और वो जैसे चलानिंग पार्टिंग को देख करके उन्हें अपनी गलती स्वीकार की, अंकल जी मैं आगे से दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, उसको हमने भी समझाया है। क्या बाइक मॉडिफिकेशन वालों पर भी कोई कार्रवाई बनती है जो इस तरह की जो सिस्टम करते हैं भाई, बाइक में जो असल है उसको बिगाड़ करके कुछ और उसमें एडजस्ट करना? ये हमारे जो लोकल थाना है जिसके अंदर ये इस तरह की दुकानें उनको आती हैं, उनके पास नोटिस भेजे गए हैं, अगर आप इस तरह का उपकरण जो नहीं अलाउड है बाइक पर या ट्रैक्टरों पर लगाते हैं तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ वाहन ऐसे भी दिखे जिन पर आगे नंबर प्लेट ना होकर जाट ब्राह्मण कुछ ऐसा शब्द जो है वो लिखवा लेते हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? उनके लिए ये मैसेज है, सख्त आदेश हैं हमारे मैडम उपासना यादव एसपी महोदया की कि इस तरह के जो लिखे हुए हैं उनको तुरंत हटवाओ उनको, और उनकी जगह उनका जो भी नंबर एग्जैक्ट है वो नंबर लगवाओ और उन पर जो भी कार्रवाई बनती है उनका वो कीजिए। एक गलत लेन में चलने वालों के भी आज ऑनलाइन चलान किए गए हैं, उनको लेकर क्या है जो गलत दिशा में चलते हैं और एक्सीडेंट का कारण बनते हैं?
जो गलत लेन में चल रहे हैं उनके ऊपर भी मेरा लगातार, आज आज का नहीं है, ये लगातार हमें गलत लेन वालों के चलान कर रहे हैं और उनको अवेयर भी कर रहे हैं और वार्निंग भी दे रहे हैं। और जो सड़क के ऊपर बगैर पार्किंग के गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं उन पर मैंने अपने कर्मचारी छोड़े हुए हैं, जो उनका अपना फोटो लेते हैं और उनके हम पोस्टल चालान भेज देते हैं, उनके घर पे पहुंच जाते हैं। पटाखे बजाने वालों को क्या चेतावनी है पुलिस की, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर? पटाखे बजाने वाले के ऊपर एसपी महोदया का सख्त निर्देश है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी सूरत में कोई माफ़ी नहीं है। उसका जितना भी मतलब उसका वो चालान है और है जो भी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका चालान और उसका मौके पर उसके साइलेंसर को चेंज किया जाता है। अभी तक कितने के जो है चालान लगभग हो चुके हैं इस कार्यवाही में जो लगातार पुलिस की जा रही है? अभी तक आप किस टाइम से किस टाइम तक की पूछना चाहते हो वो बताओ मेरे। इस एक साल के दौरान की अगर बात करें तो लगभग कितने का आंकड़ा हो चुका होगा, लोग फिर भी अवेयर नहीं हुए? अभी एक साल के दौरान आप अगर बुलेट पटाखे की बात करते हो, करीब 400 बुलेट पटाखा जिनके मोटे से मोटे चलान भी किए हैं और उनको उनके साइलेंसर भी उतरवाए हैं मान लोगों ने। तो ये कितने रुपयों का आंकड़ा पहुंच जाता है सर अगर एक साल की अगर बात करें तो? देखो आंकड़ा का तो वो तो वहाँ अपना लिखित में वहाँ पे होता है, बाकी लाखों में होता है।